नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स का दूसरा ये वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। पहला वीडियो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी लोगों ने पसंद किया है और आपके बहुत अच्छे कमेंट्स भी आए, कई लोगों के कॉल्स भी आए और ये सब चीज़ें बहुत मोटिवेट करती हैं हम लोगों को कि हम और अच्छे वीडियोज़ बनाएं आपके लिए। तो आज हम जो लेकर आए हैं राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद आज हम पूरा कवर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो ये लेक्चर सीरीज़ है इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये लेक्चर सीरीज़ लोअर पीसीएस मंडी परिषद और हाई कोर्ट आरओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। चूँकि लोअर पीसीएस का स्टैंडर्ड काफ़ी हाई होता है, अब लोअर पीसीएस का प्री का स्टैंडर्ड समझिए कि अपर पीसीएस के प्री के बराबर ही होता है, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ है, ये जो लेक्चर सीरीज़ है, ये उसी लेवल की होगी। और अगर आप ये सीरीज़ आप पढ़ेंगे, ढंग से कवर करेंगे, तो ना सिर्फ लोअर पीसीएस और मंडी परिषद और हाईकोर्ट के एग्जाम अच्छा दे पाओगे, बल्कि अपर पीसीएस में भी अच्छा करके आओगे, बहुत अच्छा करके आओगे आप, ठीक है। क्योंकि चीज़ें सब वही सब होती हैं, ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो ढंग से उसको पढ़िएगा, ढंग से कवर इसको कवर करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, स्टार्ट उसके बाद करते हैं। लोअर पीसीएस के लिए लेक्चर सीरीज फ्री चल रही है, ठीक है। इसमें टेस्ट सीरीज जो है, जो इस वीडियोस के साथ एक पैरेलल एक टेस्ट सीरीज चल रही है, वो पेड है, ठीक है। तो अगर आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको प्रैक्टिस करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस के लिए या जीएस की प्रैक्टिस के लिए अगर आप कोई टेस्ट सीरीज चाहते हैं जिसमें 100 से ज़्यादा टेस्ट आपको मिलेंगे, छोटे बड़े सब मिला के 100 से ज़्यादा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लगभग कोशिश ये रहेगी कि 100 से ज़्यादा जो वीडियोज़ बनेंगे उसके बाद और भी करंट अफेयर्स वगैरह भी होते हैं, तो 100 से ज़्यादा टेस्ट आपको मिलेंगे। इसमें जो फीस है वो मात्र 500 रुपीज़ है। तो आप मुझे ये नीचे नंबर जो दिया है 8317040152 पे कॉल करके इस चीज़ को ले सकते हैं। साथ में एक ऑप्शन आपके साथ और भी है, क्योंकि हमारा अपर पीसीएस के लिए भी बैच चलता है जिसमें प्री और मेंस दोनों की तैयारी कराई जा रही है। इसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ फाइल, ऑनलाइन टेस्ट देते हैं। उसमें फिलहाल मेंस पढ़ाया जा रहा है पहले, और जब इस कोर्स को जब आप ज्वाइन करते हैं तो जितने भी ये छोटे एग्जाम्स हैं, लोअर पीसीएस, आरओ का पेपर, जो ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ठीक है। फीस बहुत ही नॉमिनल है, मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ है। तो आरओ वाले में, लोअर पीसीएस वाले में 500 रुपया वन टाइम फीस है और अपर पीसीएस में 500 रुपीज़ पर मंथ की फीस है, ठीक है। ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 8317040152 पे कॉल करके मुझसे इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, आप टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, काफ़ी टाइम निकल गया है। राइट टू फ्रीडम पे आते हैं हम। देखिए, भाग तीन में है ये। भाग वन में यूनियन के बारे में पूछा जाता है, भाग टू में सिटीजनशिप नागरिकता के बारे में, और भाग तीन में आपका आता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ये क्वेश्चन आता है, इसमें बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। मैं अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक राइट टू फ्रीडम, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो राइट टू फ्रीडम जो 1922 के बीच में आता है, ठीक है। आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक मूल अधिकार में, मूल संविधान में कुल 7 तरह की स्वतंत्रताएं के बारे में, फ्रीडम के बारे में बात कही गई थी, जो एक हटा के अब 6 बची हैं। मूल संविधान जब 1950 में ये पहली बार इम्प्लीमेंट हुआ था, उस समय 7 टाइप के जो इंडिपेंडेंस लिबर्टीज थी या फ्रीडम थी, जो एक हटके अब 6 बची हैं। तो ये याद रखिएगा कि पूछ सकते हैं कि कितने प्रकार के मूल संविधान में था और कितने प्रकार का अब हैं स्वतंत्रताएं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। इसमें बोलने का अधिकार सब अभी आएगा नीचे। अनुच्छेद 19(1)(4) संपत्ति के अर्जन ग्रहण करने का अधिकार को जो था वो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से 1978 द्वारा निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट भी था, ठीक है, आर्टिकल 31 में आता था, और ये आपके 19(1) में भी ये आता था ये। तो जब इसको हटाया गया 1978 में, जो अमेंडमेंट किया गया, और ये अब जो आर्टिकल बन गया वो आर्टिकल 300A बना है। पहले ये फंडामेंटल राइट था, ठीक है, अब ये लीगल राइट बन गया है। कौन संविधान संशोधन था? 44। कई बार पूछा जाता है कि प्रॉपर्टी का जो वो है आर्टिकल कौन संविधान संशोधन में हटाया गया था, तो आर्टिकल 44, ठीक है, संविधान संशोधन 44 में हुआ था ये, ठीक है। आर्टिकल था 19(1) और उसका आर्टिकल 31, ठीक है। सिर्फ नागरिकों के लिए है ये, सिर्फ सिटीजन जिनके पास इंडिया का वोटिंग कार्ड है, ठीक है। अतः विधिक व्यक्ति, जो लीगल पर्सन जैसे कंपनी, निगम आदि को यह अधिकार उपलब्ध नहीं है, ठीक है, किंतु कंपनी के अंशधारी को इस अधिकार का दावा कर सकते हैं। जो फ्रीडम का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम है, ये सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन के लिए है, ना कि लीगल पर्सन के लिए, जैसे कंपनी है। एक कंपनी बोले कि मुझे भी अधिकार है बोलने का, ठीक है, तो वो नहीं बोल सकती, क्योंकि वो
कंपनी है, इंडिविजुअल नहीं है, लेकिन कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होंगे वो बोल सकता है क्योंकि उनका अधिकार है। तो ये नागरिकों को मिला हुआ है, ये किसी NRI को नहीं है, सिर्फ इंडियन जो वोटिंग वोट डाल सकते हैं उनको ये अधिकार मिला हुआ है। तो छह तरह की जो मूलभूत स्वतंत्रताएं हैं उनके बारे में, पहला आता है जो उन आर्टिकल 19 का में आता है वो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, बहुत कॉमन सा है, बहुत व्यापक है, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों कवर करता है। बाद में बोल दिया कि अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत कुछ कवर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एक केस आया था साकल पेपर्स बनाम भारत संघ केस 1962 में, साकल पेपर्स बनाम भारत संघ 1962 में, उसे प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार बोला गया था। क्या था, देखिए जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तो कई लोगों ने कहा कि आप भी कि हमारा प्रेस जो है, मीडिया है, उसको इंडिपेंडेंस दी जाए, उसकी फ्रीडम रखी जाए, ये ऐसा मेंशन हमें संविधान में करना चाहिए जैसा कि ब्रिटेन के संविधान में है कि प्रेस फ्री प्रेस होगी। ठीक है, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बात बोली कि चूंकि जो आर्टिकल 19(1) है वो 19(a) है जो बोलता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, उसका मतलब यही होता है कि जो भाई पेपर वाले क्या बोलते हैं, बोलते ही तो है ना, कोई बात बोलते हैं, अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं। तो एक ही बात आती है, अगर कोई न्यूज़पेपर है उसको अलग से देने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसमें इंक्लूड रहता है। ठीक है, तो ये केस साकल पेपर्स बनाम भारत संघ जो केस था 1962 में, उसमें ये बात कही गई थी कि अब अलग से नहीं होगा, इसी के अंदर माना जाएगा। कई बार पूछा भी जाता है कि प्रेस की आज़ादी का अधिकार किस में आर्टिकल में आता है, तो वो आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाले आर्टिकल में 19(1) में आता है। ठीक है, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ केस था 2004 में आता है, जिसमें नेशनल फ्लैग को फहराने का अधिकार था। पहले के नेशनल फ्लैग को फहराने की पर आपत्ति थी कि हम आम आदमी नहीं फहरा सकता था, सिर्फ पर्व होते हैं राष्ट्रीय पर्व उसमें फहरा सकता था, लेकिन नवीन जिंदल ने 2004 में केस लड़ा, बोला अब ये हुआ कि अब कोई भी इंसान नेशनल फ्लैग फहरा सकता है। पहले ये सब रोक इसलिए थी क्योंकि लोग ये डर था कि लोग उसका अपमान कर देंगे, उसको गंदा हो जाएगा तो धो नहीं सकते, धो नहीं पाते हैं, वो फट जाता है तो ठीक से केयर नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन बाद में इस केस के बाद ये आया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, आप एक आम आदमी हैं, वो राष्ट्रीय झंडे को फहरा सकता है बट उसका अपमान नहीं होना चाहिए, उसका केयर करनी चाहिए। फिर है जानने का अधिकार, राइट टू नो, कुछ भी चीज़ जानने का राइट टू नो ये होता है, जानने का अधिकार ये इसी में आता है। मतदाता को सूचना का अधिकार, मतदाता को सूचना का अधिकार, कोई मतदाता है उसको अपने जो कैंडिडेट है उसके बारे में सूचना चाहिए, तो वो सूचना का अधिकार यहीं से मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम आने वाला है, इलेक्शन होने वाला है, तो ये है मतदाता को सूचना का अधिकार। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ का एक केस रहा है, चुप रहने का अधिकार। ठीक है, बोलने का अधिकार जितना इंपॉर्टेंट है, वो चुप रहने का अधिकार भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक केस आया था, केरल का केस था, इमानुअल बनाम केरल राज्य का केस था, एक लड़का बच्चा था, वो स्कूल में था और उसने कहा हम नेशनल एंथम नहीं गाएंगे। ठीक है, तो ये मामला काफ़ी तूल पकड़ा गया और वो कोर्ट में गया, तो बोला कि मैं नेशनल एंथम नहीं गाने का मुझे अधिकार है। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने बोला था इस बात को कि ठीक है, जितना बोलने का अधिकार है अपने को, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो चुप रहने का भी अधिकार मिलता है, तो आप चुप रहो, आप नहीं गा सकते तो आप तो कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट बोलना है उतना ही इंपॉर्टेंट चुप रहना भी है। तो ये केस इमानुअल बनम केरल राज्य का केस हुआ था, 1986 का एक केस है ये। ठीक है, विदेश जाने का अधिकार, मेनका गांधी इस केस को लड़ी थी 1978 में, विदेश जाने का, ये सब फ्रीडम ये एक्सप्रेशन में आता है, स्पीच में नहीं आता, एक्सप्रेशन में आता है। विदेश जाने का अधिकार, प्रदर्शन करना, धरना देना, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ और पिकेटिंग जिसे कहते हैं, हम किसी बात को लेकर धरना दे सकते हैं लेकिन वो हिंसक नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम किसी बात को लेकर अपना प्रदर्शन कर सकते हैं लेकिन वो हिंसक नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने का और एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति का अधिकार है। ठीक है, तो एक बार पढ़ लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा, जो बातें कही हैं वो समझ लीजिएगा उसको। फिर आता है दूसरा टाइप का जो हमें फ्रीडम दी गई है, वो है सभा एवं सम्मेलन करने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ मीटिंग एंड असेंबली। ठीक है, अनुच्छेद 19(1) खा में आता है ये कि आप कहीं पर कोई सम्मेलन बुलाने का अधिकार है, कोई सभा करने का, कोई जुलूस निकालने का अधिकार है, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो आप राजनीतिक भी हो सकता है या पर्सनल लेवल पे भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, तो ये सब आप काम कर सकते हैं। बट इसमें बस इसमें ये एक चीज़ दिखाई गई थी कि अगर सरकार को ये लगता है कि आपके इस काम से, सभा बुलाने से, सम्मेलन करने से राष्ट्रीय एकता या अखंडता में, कहते हैं ना
राष्ट्र एक किस देश को कुछ दिक्कत आ रही है, राष्ट्र एकता और अखंडता में कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो परमिशन कैंसिल कर सकता है, वो आपको रोक सकता है, ठीक है। देश में इस चीज़ का रखिएगा कि कहीं पर भी कुछ भी है, मैंने पहले भी कहा था कि एब्सोल्यूट कुछ नहीं है, 100% कुछ नहीं है, आपको बोलने का अधिकार है, बट उसमें भी रिस्ट्रिक्शन है कि आप ऐसा नहीं बोलोगे कि दूसरे को हर्ट करोगे। यहाँ पर भी है, सभा करने का अधिकार है, करो आप जो करना चाहे, जुलूस निकालने का अधिकार, जो करना करो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दूसरा आदमी हर्ट हो जाए, अगर ऐसा होगा तो फिर आपको परमिशन कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तीसरा आता है संगठन या संघ बनाने का अधिकार, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, हम यूनियन बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं, एनजीओज हैं, ठीक है, जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे हम यूनियन बना लेते हैं, तो ये सब अधिकार 1901 में दिया गया है। यह अधिकार संसदीय लोकतंत्र का आधार है, भाई आधार है ये, क्योंकि राजनीतिक पार्टी यहीं से निकल के आई है, देखा यूनियन और एसोसिएशन बनाने का अधिकार है, तो कहाँ से निकल, पार्टीज के बारे में कहाँ से आया कि राजनीतिक पार्टियाँ होंगी, तो इसके तहत ही राजनीतिक दल, लेबर यूनियन, कंपनी, सोसाइटी, साझेदारी, सब इसका गठन होता है। भाई एनजीओस होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, ये कहाँ से आते हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो कहाँ से आती हैं, वो यहीं से आर्टिकल 19(1) गा से लिया जाता है, इसको यहाँ से लिया गया है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, इज इट क्लियर, ओके। अगला आता है संचालन का स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मूव, भाई मुझे भारत में कहीं भी जाने का अधिकार है, ठीक है, आपको कहीं पर लिबर्टी है, आप कहीं भी देश, देश में हर कोना आपके लिए है कुछ, लेकिन मैंने जैसे कहा कि एब्सोल्यूट कुछ नहीं है, आप जाना चाहते हो, आप गोवा जाना चाहते हो गोवा घूमो, आप नॉर्थ ईस्ट घूमो तो नॉर्थ ईस्ट घूमो, जाके हम हिमालय आना चाहते हो हिमालय जाइए, लेकिन अगर सरकार को लगता है कि वहां पे आप किसी ऐसा इलाके में आप जाना चाहते हो जहां पर अनुसूचित जनजाति ट्राइबल एरियाज हैं और उनको वहां दिक्कत हो सकती है, तो उनके संरक्षण को लेकर, उनके प्रोटेक्शन को लेकर सरकार आप पर ये रोक लगा सकती है कि आप नहीं जाओगे, ठीक है। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, आज़ादी के कई सालों तक एक वहाँ पर चीज़ रही कि वहाँ पर जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती थी, आप नॉर्थ ईस्ट जा नहीं सकते थे, तो ये क्यों रखा गया था, क्योंकि ये सोच रखी गई थी कि वहाँ के लोग ट्राइबल्स हैं, वहाँ अभी तक वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए थे आम पब्लिक से, तो एक तरह से उनको प्रोटेक्शन दी गई थी, एक तरह की उनको ये कोशिश की थी कि आम जो दूसरे दोस्त लोग हैं वो वहाँ जाके माहौल ना ख़राब कर दें, ठीक है, कुछ समय की ज़रूरत थी नॉर्थ ईस्ट वालों को, तो वो एक दिया गया था, तो ये रिस्ट्रिक्शन सरकार लगा सकती है, जाइए कहीं पर भी, लेकिन सरकार को लगेगा कि आपके जाने से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आप पे रोक लग जाएगी, ठीक है। पांचवा आता है फ्रीडम टू रिसाइड यानी निवास का स्वतंत्र, वही बात फंडा वही है, आपको कहीं भी जाकर रहने के अधिकार है, बट यही पे कि बस वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए कहीं पर। एक और एक्सेप्शनल केस है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, ना तो कोई अचल संपत्ति ले सकता है, ना कोई स्थायी रूप से वहाँ निवास कर सकता है, आप घूम सकते हो कश्मीर में, श्रीनगर में जाइए, बर्फ़ के मजे लीजिए, डल झील के मजे लीजिए, लेकिन आप सोचो कि वहाँ पर ही शिकारा खरीद के एक छोटा सा बोट हाउस में डाल के आप रह लो, नहीं कर सकते आप, ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इसका संविधान में ये चीज़ प्रोटेक्शन दिया गया है कि बाहर के लोग ना आके वहाँ पे आके माहौल ना ख़राब करते, और ये माहौल ख़राब करने की बात मैं जो बोलता हूँ तो ये इसलिए है कि डेमोग्राफी ख़राब कर दी जाती है। इसे एग्जाम्पल मिलते हैं आसाम में, बहुत सारे जो बांग्लादेश से लोग या इनफैक्ट इंडिया से भी, बिहार के लोग, झारखंड के लोग, बहुत सारे लोग आसाम जाके बस गए, और वहाँ के जो लोकल लोग थे उनको उन्होंने हर चीज़ में कंपटीशन देना शुरू कर दिया, चाहे रिसोर्सेज पे हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, तो कंपटीशन मिलता रहा, और क्या हुआ, ऐसा वक्त आया कि जो बाहर के आए हुए लोग थे वो लोकल लोगों से हर चीज़ में आगे निकल गए, जॉब में भी निकल के आके ज़मीन लेने में भी ले गए, तो जो लोकल लोग थे वो उन्होंने इनसिक्योरिटी महसूस करना शुरू की, और वहाँ पे सारा विवाद चल रहा है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो ये इस सब चीज़ों के लिए प्रोटेक्शन किया जाता है कि आप ऐसा ना हो कि बाकी लोग इतने ज़्यादा आ जाएं कि बर्बाद करते हैं वहाँ के लोकल लोगों को, क्योंकि कुछ लोग कुछ जगह सेंसिटिव होती हैं, ठीक है, हर चीज़ में आपको इक्वालिटी नहीं कर सकती, हर चीज़ आप नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोगों का प्रोटेक्शन देना पड़ता है आपको। फिर आता है आजीविका की स्वतंत्रता होने के लिए, फ्रीडम टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, आप जो चाहे जो करना चाहो, आप लोअर पीसेस देना चाहो लोअर पीसेस दो, अपर पीसेस देना चाहो अपर पीसेस दो, अगर आप एलिजिबल हो तो आप दे सकते हो, आप बिजनेस करना चाहो, आप कार चलाना चाहो, आप मिठाई की दुकान खोलना चाहो, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक केस आया था ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश का 2004 में, जिसमें ऋषिकेश महानगर पालिका में क्षेत्र में अंडा बेचने पर राज्य द्वारा लगाया गया प्रतिबंध साधारण जनता के हित में युक्ति संगत माना गया, क्योंकि वह क्षेत्र एक धार्मिक क्षेत्र है। अब भैया वहाँ पर ऋषिकेश में किसी व्यक्ति को थोड़ा सा कहते हैं चुल होती है, थोड़ी चुली, उसने कहा कि यार ऐसा है कि
हम ऋषिकेश इलाका है वहाँ पे अंडा जो है मांस मदिरा मछली ये सब बैन है। तो कहते हैं मुझे अंडा बेचना है, यही मेरा संविधान का अधिकार है। शुरू हो गया वो अधिकार को लेकर कि अंडा तो बेचूंगा चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। तो मामला चला गया केस में कोर्ट में, और कोर्ट ने कहा कि चूंकि एक धार्मिक स्थल है और जनताओं की भावना जुड़ी हुई वहाँ से, ठीक है, तो माना कि आपको बिजनेस करने का अधिकार है, आपको कहीं भी जाने का अधिकार है, बट आपका अधिकार जितना इंपॉर्टेंट है दूसरे आदमी का अधिकार भी उतना इंपॉर्टेंट है। धार्मिक स्थल की पवित्रता बनी रहे और दूसरों के सम्मान, जो जनता के जो भावना को सम्मान करते हुए जो ये बैन लगाया गया है वो बिल्कुल ठीक लगाया गया, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनको बड़ी चुल्लाहट होती है सब चीज़ों करने की। दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। पुलिस ने किसी बंदे को पकड़ लिया कि मुझे शक है तुम पे कि तुमने मर्डर किया है, और पकड़ के डंडे 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 मारना शुरू किया उसको, और बोला लिख तूने ये क्राइम किया है, तूने मर्डर किया है। वो कह रहा नहीं मैंने नहीं किया है, लेकिन मार रहे हैं उसको। तो भाई साहब थर्ड डिग्री देना इलीगल है। तभी देखो ये पुलिस वाले मारते हैं तो पैरों के तलवे पर मारते हैं कि जिसकी मेडिकल में वो चीज़ सामने ना पाए, दिखे ना, ठीक है। तो तीन तरह से प्रोटेक्शन दिया गया है कि आप जबरदस्ती मार मार के किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते। वो अपनी मर्जी से बोले कि हाँ जैसा पुलिस साहब मैंने ये क्राइम किया है, लेकिन आप उसे मार नहीं सकते। ये अलग बात है, थोड़ा बहुत तो आप सख्ती करनी पड़ती है, लेकिन किसी को मार मार के भूत नहीं बना सकते कि उसको बोलो कि नहीं बोलो। और प्रॉब्लम क्या हमारे देश में यही चीज़ चलती है, क्रिमिनल भी इसी तरह की सोच के रखते हैं। वो जब तक पिटते नहीं है तो मानते भी नहीं है, और पुलिस वाले भी समझ गए कि जब तुमको मारो ना तो ये मानते नहीं है, ठीक है। तो माहौल वैसा बन गया, लेकिन संविधान तो संविधान है भाई, उसमें तो अच्छी बातें लिखी जाएंगी। उसने हमें प्रोटेक्शन दिया है, बोलता है कि कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। क्या ही है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ? देखिए मान लीजिए कि मच्छर मारना अचानक से सरकार एक बिल पास करती है, बोलते हैं कि नहीं नहीं लॉ क्या पास करती है कि चूंकि मच्छरों की आबादी बहुत ज़्यादा खतरे में है तो मच्छर मारना बैन है, और जो उस पर देगा वो सजा हो जाएगी उसको, ठीक है। और वो आज की तारीख से लग रहा है, 1 तारीख से लग रहा है मान लीजिए, ठीक है। अब 1 तारीख के बाद अगर कोई मच्छर मारेगा तो उसको जेल हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चूंकि आपने 2 महीने पहले 2-4 मच्छर मार दिए थे तो आपको जेल हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ मतलब कि लॉ आज बनाया गया, लेकिन हम पीछे आके बात कर रहे हैं कि आपने 2 महीने पहले ये काम किया था, तो आपको चूंकि ये चीज़ आज इलीगल हुई है, इस पर आज लगे है, तो आप 1 महीना पहले या 1 दिन पहले भी आप इस पर नहीं कर सकते। तो जब से ये चीज़ लागू होगी उसके बाद के भाई ही जो लोग होंगे अगर वो करते तो क्रिमिनल घोषित किए जाएंगे, पहले की कार्रवाई पे उनको कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, ठीक है, बहुत लक्ष्य नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है ये, ठीक है। दोहरे दंड से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपैराडी। ये क्या है इसका मतलब, डबल जियोपैराडी का मतलब क्या होता है? देखिए अंधा कानून फिल्म, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत की पहली हिंदी फिल्म, ठीक है। अमिताभ बच्चन एक बने हैं आपके फॉरेस्ट ऑफिसर बने, बहुत ईमानदार फॉरेस्ट ऑफिसर बने, जिसमें गाना भी गाते हैं अपनी बेटी के साथ, हंसते हंसते रोना सीखो। गाना गाते गाते वो क्रिमिनल्स को पकड़ लेते हैं, और क्रिमिनल जो हैं उनके साथ हाथापाई होती है। अमिताभ बच्चन वहाँ से खैर बच जाते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन को झूठे केस में फंसा दिया था, किसी के मर्डर, किसी व्यक्ति के, शायद वो कादर खान ही एक विलन बना था, तो कादर खान के मर्डर के केस में झूठ, किसी और की लाश होती है लेकिन वो कादर खान की लाश दिखाई जाती है कि मर्डर केस में अमिताभ बच्चन को उम्र कैद हो जाती है, ठीक है। अमिताभ बच्चन बाहर निकल के आते हैं, जब तक उनकी फैमिली बिल्कुल तबाह हो चुकी होती है, अमिताभ बच्चन घूम रहे होते हैं, कादर खान जिंदा होता है लेकिन झूठे केस में फंसाए गए होते हैं। तभी चलते चलते अमिताभ बच्चन एक बार देखते हैं कि खैर कादर खान तो जिंदा है, ठीक है। तो गुस्सा आता है, उसको पीछा करते हैं, और कादर खान भागते भागते पहुँच जाता है कोर्ट में। कोर्ट में सबके सामने जाके अमिताभ बच्चन कादर खान की हत्या कर देता है। तो जैसा बोलते हैं कि अरेस्ट हिम, इसे कोर्ट के सामने मर्डर किया है, पकड़ लो उसे। तो अमिताभ बच्चन कहता है भैया मैंने मर्डर किया लेकिन आप मुझे सजा नहीं दे सकते, क्योंकि एक ही जुर्म का, एक ही क्राइम की 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। मैं इसी व्यक्ति की हत्या के रूप में ऑलरेडी 20 साल में काट चुका हूँ, भले वो झूठा केस था लेकिन इस व्यक्ति की हत्या आज हुई है, तो मैं एक ही आदमी की हत्या में 2 बार सजा नहीं कर सकता। तो इसी को बोलते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपैराडी, ठीक है, दोहरे दंड से संरक्षण। चलिए आगे देखते हैं, आत्म अभिशंसन से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इनक्रिमिनेशन। जैसे मैंने आपसे कहा कि व्यक्ति अपने खिलाफ
कोई साक्षी नहीं दे सकता, फिटनेस नहीं बन सकता, ठीक है, विवश नहीं कर सकते, दे सकता है, विवश नहीं कर सकते, अपनी मर्जी देना चाहे तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि तूने क्राइम किया तो तुम मार मार के बुलाओ, अपना एविडेंस दो। तो विटनेस अपने लिए खिलाफ अपने एविडेंस नहीं कर सकता, आप उसकी मर्जी होगी तो साक्ष्य देगा, उसकी मर्जी होगी तो नहीं देगा। तो सेल्वी वेनम कर्नाटक केस था, उसमें अभियुक्तियों को नारकोटिक्स पॉलीग्राफी और ब्रेन प्रिंटिंग परीक्षण आत्मसंशन अथवा वर्जित है। कई कई कोर्ट केसेस में ऐसा भी आया कि जो नारकोटिक्स होता है, पॉलीग्राफी होती है, जो झूठ पकड़ने वाला टेस्ट है, उसमें इसको बैन किया गया। नार्को टेस्ट जो होता है उसको बैन किया, क्योंकि नार्को टेस्ट में क्या होता है, व्यक्ति अपने आप ही अपना एविडेंस देता है, भले उसको बेहोश कर दिया जाता है और वो थोड़ा सा वो गफलत में होता है और जो बात पूछी जाती है उसका जवाब देता है। तो एक तरह से माना गया कि वो अपने खिलाफ ही जबरदस्ती आप उससे उसके खिलाफ ही एक साक्ष्य ढूंढ रहे हो आप, ठीक है। तो खैर चीज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं, बैन हो गया था लेकिन बाद में इसको इसको कर दिया गया, ठीक है। अभी अब परमिशन लेनी पड़ती है आपको, अगर आपको किसी को नार्को टेस्ट लेना पड़ेगा तो आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, और बहुत ही वैसे रेयर केस में ही मिलता है, जब तक कोर्ट को लगता नहीं है कि ज़रूरत नहीं है तब तक कोर्ट देते नहीं है। आर्टिकल 21 फिर से आता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सन लिबर्टी, अनुच्छेद 21। किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि एवं द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित कर सकता है। मतलब किसी को जेल में डालना है, ठीक है, उसकी उसकी इंडिपेंडेंस लेनी है, लिबर्टी लेनी है, फ्रीडम लेनी है, तो आपको लॉ बनाना पड़ेगा, तभी उस बेस में ही उसको कर सकते हो। ऐसा नहीं पकड़ के किसी को डाल दिया आपने, आप लॉ बनाओ कि हाँ फला चीज़ करोगे तो उसके खिलाफ आपको ये जेल में डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी की मर्जी कान पकड़ के जाओ उसको जेल में डाल दो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इसका संरक्षण नागरिक और विदेशी सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, भाई सबके लिए है ये, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लाइफ की प्रोटेक्शन, चाहे वो बीजेपी का वोटर हो, कांग्रेस का वोटर हो या ना हो, या बाहर जरा वो अमेरिका से आया हो, सबके लिए है वो। अमेरिका के संविधान से लिया गया है, क्या लिया गया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, ये बड़ा अच्छा शब्द है, ड्यू कि हम लॉ का जो प्रोसेस हो रहा है उसके हिसाब से चलेंगे सब हम लोग, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। द आर्टिकल प्रोहिबिट्स द डेप्रिवेशन ऑफ द अबव राइट्स एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इंस्पायर्ड फ्रॉम जापान। देखिए पहले क्या था, पहला था कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जिस तरह से कोई कानून अपना प्रोसीजर बनाएगा उस हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। तो कानून तो गड़बड़ भी हो सकता है, जापान में चलता था कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, एक लॉ ने एक प्रोसीजर बनाया है हम उस हिसाब से चलेंगे, ये जापान में था। लेकिन इंडिया ने कहा ना ये गलत है, अमेरिका से लिया कि क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कानून के लिए जो प्रोसेस में चलेगा वो उसको हम मानेंगे, ना कि कानून द्वारा बनाए गए प्रोसीजर को मानेंगे, ठीक है। चलिए मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 का केस है, अनुच्छेद 21 पर एक महत्वपूर्ण जजमेंट आया, बोलता है कि विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधि के अधीन विहित प्रक्रिया जो किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करती है, उचित ऋजु और युक्तिपूर्ण, फेयर जस्ट और रीजनेबल अर्थात प्राकृतिक न्याय, नेशनल जस्टिस के सिद्धांत के अनुरूप ही होनी चाहिए। खैर खास नहीं है ये, छोड़ दीजिए इसको, इतना नहीं घुसेंगे ये लोग। विदेश जाने का अधिकार, मेनका गांधी ने इस केस को लड़ा था कि आपको फॉरेन विदेश जाने, क्योंकि उनको उनकी परमिशन नहीं थी, चूंकि संबंध थोड़े ख़राब थे इंदिरा गांधी से, तो उनको एक बैन लगा दिया गया था कि आप बाहर नहीं आ सकते। तो उन्होंने केस लड़ा था कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के तहत ही प्राण का अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व तक नहीं है, बहुत अच्छी बात बोली है कि सिर्फ भौतिक अस्तित्व, फिजिकल प्रेजेंस होना ही सब कुछ नहीं है, आपके हाथ पैर खुले छोड़ दिए, फिजिकली तो आप ठीक है, भौतिक अस्तित्व तो आपको ठीक है, वो तो है ही है, बल्कि मानव गरिमा का भी होना या बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, आपकी आपकी सेल्फ इस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकली आपको खुला छोड़ रखा है लेकिन आपको इंसल्ट किया जा रहा है, ठीक है, वो भी सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो मानव गरिमा भी है। तो लोग कहें तो आपको फिजिकली भी आपको आपका अस्तित्व है और आपका मानव गरिमा को बनाए रखना भी ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये जो केस था विदेश जाने के अधिकार से जजमेंट में जुड़ा हुआ था। एकांत का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी, भाई राइट टू प्राइवेसी, राजगोपाल बनाम तमिलनाडु का केस आया था, भाई मैं अभी आधार केस वाला केस आया था तो उस पर यही था राइट टू प्राइवेसी वाला, कि मेरी प्राइवेसी है ना, मैं किसी को बताना चाहूँ कि ना बताना चाहूँ, तो ये सब चीज़ों पे आता है। फिर है जीवी को परिजन का अधिकार, कौन कहाँ पे बिजनेस करना चाहता है, सड़क पर व्यापार करने का अधिकार, ठीक है, शिक्षा पाने का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता फ्री में, जो आप जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वकीलों को उसको, चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार,
ठीक है, घायल व्यक्ति को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने का। ये केस जो था परमानंद कटारा बनाम भारत संघ में था, उसमें था कि घायल व्यक्ति को जल्दी से जल्द फर्स्ट एड देने का जो अधिकार था। और अब तो सुप्रीम कोर्ट इस पर बहुत ज़्यादा लिबरल हो गया, उसने बोला है कि अगर कोई बंदा लेकर आता है किसी व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को, तो आप उस पर उसको तंग ना करा जाए उसको, ठीक है। अक्षय का अधिकार, राइट टू शेल्टर, निःशुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार, ठीक है, प्रदूषण मुक्त जल और वायु, फोन टैप करने का अधिकार जो है वो एकांतता का जो एक प्राइवेसी का अधिकार का हनन है, कोई महिला अपने बच्चे को पैदा करे या नहीं, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ये आता है। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, ठीक है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, ये नेगेटिव हो जाएगा। ज्ञान कौर बनाम पंजाब केस में मरने का अधिकार मांगे, तो भैया हमारे हमारे देश में मर्सी किलिंग अलाउड नहीं है, ठीक है। जीने का अधिकार तो है, जियो जितना जी सकते हो, लेकिन मर नहीं सकते हो आप। मरने का फांसी दे सकते हैं, लेकिन आप खुद नहीं मर सकते, चाहे कितने बीमार हो, चाहे कितना भी तकलीफ में हो उसका। और अगर सुसाइड करने की कोशिश करोगे तो अगर बच गए, मर गए तो ठीक है, बच गए तो जेल जाओगे फिर, ठीक है। फिर धूम्रपान का निषेध, मुरली देवरा बनाम भारत संघ का जो केस था, ठीक है, उसमें सार्वजनिक स्थलों पर स्मोकिंग का जो बैन किया गया, ये मुरली देवरा का केस है, ये इसको देख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। महिला कर्मियों के यौन शोषण उत्पीड़न के खिलाफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विशाखा दत्त बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, ये केस आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कई पूछा भी आता कि विशाखा दत्त बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान केस में जो था वो जो फीमेल सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर ये आया था, ये बहुत फेमस केस है ये, और कई बार एग्जाम आ भी चुका है, ठीक है। सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर जो लोग साथ में जॉब करते हैं उनके पता है, विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। फिर है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, मोहिनी जैन के मामले में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार घोषित किया गया है। पहले ये किस में था, ये डीपीएसपी में था, राज्य की नीति निर्देश में था, अब इसको मोहिनी जैन के मामले में इसको फंडामेंटल राइट्स में दे दिया गया है। क्या मतलब है इसका, कि भैया फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति किसी बच्चे को एजुकेशन नहीं मिलेगी तो वो कोर्ट जाके ये बात बोल सकता है कि मुझे एजुकेशन नहीं मिल रही तो मुझे एजुकेशन मिलनी चाहिए, इसके लिए इंतजाम जो है वो सरकार को करना होगा। राइट टू एजुकेशन के तहत ही सब चीज़ें आई हैं, राइट टू एजुकेशन ही है ये सब, ठीक है। और राइट जो आपका शिक्षक भर्ती इतनी ज़्यादा हो रही है वो सिर्फ इसीलिए है कि इतने सारे बच्चों को जब पढ़ाना है तो आपको क्वालिटी टीचर रखने ही पड़ेंगे, तो राइट टू एजुकेशन यहीं से आता है, ठीक है। 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21 का के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। 86वां 86वां संशोधन, ठीक है। इसके अनुसार 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंधन सरकार करेगी। पहले ये था डीपीएसपी में जो आर्टिकल 45 में था, बाद में अब उसमें चेंज करके उसको मैं 6 वर्ष से कम के लिए जो है वो प्रबंध सरकार करेगी। तो डीपीएसपी में पता ही है कि आप उसको जस्टिसेबल नहीं है, आप कोर्ट में जाके कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं करा सकते। फिर साथ में जो अनुच्छेद 51 का है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो खंड ता है के अंतर्गत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। इसके अंदर प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वो अपने बालकों के लिए 6 से 14 वर्षों की आयु के बीच शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो आप देखिए राइट टू एजुकेशन 3 जगह है, फंडामेंटल राइट में भी है, डीपीएसपी में भी है और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। 3 जगह राइट टू मतलब एजुकेशन के बारे में बात कही गई है। चलिए गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, अनुच्छेद 22। दो प्रकार की गिरफ्तारी होती है, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव क्या होता है, गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, क्या है मेरा इल्जाम, ये देखिए आपको फला फला चीजों के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है, बता के गिरफ्तार किया जाएगा उसको। अपनी रुचि का वकील रखने का अधिकार है, वो मेरे वकील अभी आ रहे होंगे, ठीक है, तो वकील आपको अपनी मर्जी का कोई भी एक्स वाई जेड वकील रख सकते हो, ठीक है। और गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो कि पुलिस पकड़ के ले जाओ पीटे पाटे आपको, तो 24 घंटे के अंदर पहले मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, ये तो इसे कहते समान दंडिक विधि के अधीन। तो वो मजिस्ट्रेट साहब है, फिर वो आपको रिकमेंड वो करते हैं कि पुलिस केस कस्टडी में 2 दिन के लिए, हफ्ता भर के लिए, जितना चाहे ले सकते हो, ठीक है। एक होता है प्रिवेंटिव, सरकार को अंदेशा है, शक हुआ कि यार कहीं पर बम फट सकते हैं और ये आदमी जो है एक्स वाई जेड ये गड़बड़ कर सकता है, तो उसको इस काम से रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेजर लिया जाता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है उसको, ठीक है, और कुछ दिनों के लिए गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है। तो इसको प्रिवेंटिव मेजर कहते हैं, लेकिन इसका यह क्या है कि इसका दुरुप्रयोग हो सकता है, क्योंकि किसी व्यक्ति को सरकार ये बोल दे कि आदमी खतरनाक है, हम गिरफ्तार कर रहे हैं, जरा कुछ पता वो सरकार के खिलाफ कुछ लीक करने जा रहा है कोई बात, उसे गिरफ्तार कर लिया उसको,
ये बोल के कि नहीं ये बड़ा ये बम फोड़ रहा है और इसको प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं, तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या है, क्या है कि 3 माह तक का ही कर सकते हो प्रिवेंटिव मेजर्स, 3 माह से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। अगर इस बात करना होगा तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट से, ठीक है। गिरफ्तार व्यक्ति को जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी का आधार बताना पड़ेगा, किंतु 2 दशाओं के में 3 माह से अधिक अवधि पर निरोध किया गया है, जब कोर्ट की राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण हो और संसद द्वारा निर्मित विधि का अधीन गिरफ्तार किया। मतलब 3-3 महीने के बाद आपको, मतलब कोर्ट फिर ये बोले कि ठीक है आप परमिशन, कोर्ट दे रहा है कि ठीक है और आप रख सकते हो, या फिर पार्लियामेंट ही बना दे कि नहीं प्रिवेंटिव मेजर अब 3 महीने के ना होके अब 8 महीने के होंगे, ठीक है। विभिन्न अधिनियम है, कौन कौन से, प्रिवेंटिव डिटेशन एक्ट आता है, मीसा आता है, फिर आपका CUFE पोजा आता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आता है, टेररिस्ट एंड डिस्प्यूटिव टाडा आता है, फिर आपका पोटा आता है, ये सब आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, काफ़ी आपने अच्छा कवर किया है। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा। बाकी कोर्स के रिगार्डिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो अगर आपको कुछ कोर्स ज्वाइन करना है या कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे 8317040152 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। अगला वीडियो कल फिर अपलोड करूँगा मैं, तब तक के लिए धन्यवाद।